हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी अनप्लग्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14.8.2 द सिंपल पेंडुलम की। तो हम एग्जांपल्स देख रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के। फर्स्ट एग्जांपल हमने ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग देखा था। ओके, नाउ सेकंड में बात करेंगे सिंपल पेंडुलम की। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं फिर। इट इज सेड दैट गैलीलियो मेजर्ड द पीटर्स ऑफ अ स्विंगिंग शैंडिलियर इन अ चर्च बाय हिज पल्स बीट। He observed the motion of a chandelier was periodic। ठीक है, तो गैलीलियो ने क्या किया था, स्विंगिंग चैंडिलियर मतलब जो झूमर होता है बेसिकली, ठीक है, वो उसके उसके जो पीरियड्स हैं, ओके, स्विंगिंग पेंडुलम के जो पीरियड्स है उसको अपनी पल्स बीट से मेजर किया था। ओके, और ये भी ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि उसको जो चैंडिलियर का जो मोशन है वो पीरियडिक है, मतलब एक टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। ओके, नाउ द सिस्टम इज अ काइंड ऑफ पेंडुलम, और ये पेंडुलम की तरह है ऑब्वियसली, है ना, झूमर आप हम सभी ने देखा है। ओके, सो स्विंग पेंडुलम की तरह है। यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन पेंडुलम बाई टाइंग अ पीस ऑफ स्टोन टू अ लॉन्ग अनस्ट्रेचेबल थ्रेड अप्रॉक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हम खुद भी पेंडुलम बना सकते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है, एक स्टोन को टाई कर सकते हैं एक स्ट्रेच में थ्रेड, लेकिन अनस्ट्रेचेबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो उसकी लेंथ है वो फिक्स रहे। ओके, सो नाउ, और 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ले सकते हैं। ओके, सस्पेंड योर पेंडुलम फ्रॉम सुइटेबल सपोर्ट सो दैट इट इज फ्री टू ऑसिलेट। ओके, तो उसको क्या कर देंगे हम, वो जो ऊपर वाला एंड है, नीचे स्टोन का है, उसको हम एक सुइटेबल सपोर्ट से टाई कर देंगे। ओके, नाउ डिस्प्लेस द स्टोन टू वन साइड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एंड लेट इट गो। ओके, तो ऑब्वियसली बात है, बहुत ईजी सी चीज़ बताइए जो आप एकदम समझ पा रहे हो कि क्या लिखा है। ओके, कि एक जो पेंडुलम है उसको हमें एक तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है। ओके, और उसको रिलीज कर देना है, तो आपको पता है इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। ओके, सो द स्टोन एग्जीक्यूट अ टू एंड फ्रो मोशन, इट इज पीरियोडिक विद अ पीरियड ऑफ अबाउट 2 सेकेंड। तो टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा, पीरियोडिक होगा, ओके, रिपीट होगा, मतलब ये जो मोशन है वो टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल का रिपीट हो रहा है। ओके, और जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड क्योंकि हमने 100 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स जो लेंथ ली है, ठीक है, तो अगर लेंथ पे डिपेंड करता हमें पता है टाइम पीरियड। ओके, सो नाउ वी शैल शो दैट द पीरियोडिक मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, ठीक है, और हम देखेंगे कि हम शो करेंगे कि कैसे ये जो मोशन है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है, ऑसिलेशन है, ये पीरियोडिक मोशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन कब, जब जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल है, जैसा कि हमने स्प्रिंग के केस में देखा था, जब कंडीशन ये थी, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ही होगा। ओके, नाउ कंसिडर सिंपल पेंडुलम, अ स्मॉल बॉब ऑफ मास स्मॉल m टाइड टू एन इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ओके, तो एक सिंपल पेंडुलम जिसका मास, जो बॉब का मास है वो स्मॉल m है, उसको हमने टाई किया है एक इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल मतलब जो स्ट्रेच नहीं होगी, जिसकी लेंथ इंक्रीज नहीं करेगी उस पर मास रखने पर भी। ओके, मासलेस होनी चाहिए स्ट्रिंग जो है, उसका कुछ खुद का मास नहीं होना चाहिए। लेंथ कितनी लिए, एल लिए लेंथ। ओके, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स टू अ रिजिड सपोर्ट, ठीक है, दूसरा एंड जैसे हमने अभी देखा कि एक फिक्स रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स कर देंगे हम। द बॉब ऑसिलेट्स इन अ प्लेन अबाउट द वर्टिकल लाइन थ्रू द सपोर्ट, ठीक है, तो एक वर्टिकल लाइन के अबाउट वो ऑसिलेट करेगा, ठीक है, बॉब, जब उसको हम डिस्प्लेस करेंगे। ओके, शोज दिस सिस्टम, ठीक है, फिगर में ये सिस्टम दिख रहा है आपको। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस, है ना, रिजिड सपोर्ट से हमने टाई किया और ये वर्टिकल लाइन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। ओके, नाउ फिगर 14.18b इज अ काइंड ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिंपल पेंडुलम शोइंग द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉब। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी फोर्सेज हमने इससे एसोसिएट शो कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख रहे हो ऑब्वियसली यहाँ पर एक टेंशन फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है, जब डिस्प्लेस इस पोजीशन पे देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर पोजीशन में, या थीटा वर्टिकल लाइन है, थीटा एंगल ये डिस्प्लेस है। ओके,
स्प्रिंग पे कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पर टेंशन फोर्स लगेगा, इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, देन उसके बाद ये एम जी मास लग रहा है यहाँ पर। ओके, एम जी वेट जो है पेंडुलम का वो डाउनवर्ड लगेगा। ओके, और नाउ ये थीटा बाय ज्योमेट्री वी कैन प्रूव दिस टू आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ओके सॉरी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। देखो ये वर्टिकल लाइन से, सो पैरेलल लाइन से, और ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हो, वर्टिकल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे थीटा। ओके, और इस एम जी को, इसको, इस जो वेट है इसको हम दो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द दिस कॉम्पोनेंट, दिस विल बी एम जी कॉस थीटा एंड दिस कॉम्पोनेंट विल बी एम जी साइन थीटा। तो हमने ये दोनों कॉम्पोनेंट रिजॉल्व कर दिए, टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ अ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस पेंडुलम। ओके, नाउ आफ्टर दिस लेट्स सी फर्दर। ओके, यस, लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। थीटा जो वर्टिकल के साथ, अभी हमने डायग्राम देखा, अभी थीटा एंगल बना रहा है। ओके, वर्टिकल के साथ ये देखो, यहाँ पर थीटा एंगल, वर्टिकल लाइन ये रही, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। ओके, नाउ व्हेन द बॉब इज एट द मेन पोजीशन थीटा इज जीरो। तो ऑब्वियसली बताएगा जब बॉब ऑसिलेट कर रहा है ना, जब बीचों बीच आएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा थीटा, उस केस में ये लाइन वर्टिकल के साथ ओवरलैप करेगी, जीरो डिग्री हो जाएगा थीटा। ओके, देयर आर ओनली टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉब, द टेंशन टी अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड द वर्टिकल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हमने देखा डायग्राम में टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है स्ट्रिंग के अलॉन्ग, और वर्टिकल फोर्स ग्रेविटी के फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है एम जी। द फोर्स एम जी कैन बी रिजॉल्व इन द कॉम्पोनेंट एम जी कॉस थीटा अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड एम जी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, तो हम दोनों कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, अभी हमने डायग्राम में देख लिया। सिंस द मोशन ऑफ द बॉब इज अलॉन्ग अ सर्कल ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड सेंटर एट द सपोर्ट पॉइंट, द बॉब हैज अ रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एल एंड ऑल्सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो ये जो बॉब है ये अलॉन्ग अ सर्कल मूव कर रहा है। ठीक है, अलॉन्ग अ सर्कुलर सर्कल मूव कर रहा है, तो यहाँ सर्कुलर मोशन का ये केस बन रहा है। ओके, सो नाउ अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है। ठीक है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा जिसे हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, जो अलॉन्ग टूवर्ड द सेंटर होगा। ओके, ये एज ये पॉइंट है एज अ सेंटर एक्ट कर रहा है। ओके, सो नाउ जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा इसमें एक रेडियल एक्सेलरेशन लग रहा है। ओके, और साथ ही साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों है, देखो यहाँ पर इसका जो मोशन है क्या वो यूनिफॉर्म है, हम देखेंगे। जैसे कि अभी हम देखेंगे जो पेंडुलम है, ओके, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तब इसकी वेलोसिटी जीरो है, और जब सॉरी जब इसकी यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, और जब यहाँ पर है एक्सट्रीम पे तो मैक्स वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो वेलोसिटी वेरी कर रही है। ठीक है, तो यहाँ एक्सेलरेशन है अलॉन्ग द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। द रेडियल एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द नेट रेडियल फोर्स एम जी t माइनस एम जी कॉस थीटा, वाइल द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड बाय द एम जी साइन थीटा। ओके, तो रेडियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, देखो रेडियल फोर्सेस कौन से, ये वाला टेंशन इधर है और एम जी कॉस थीटा इधर है। ठीक है, तो t माइनस एम जी कॉस थीटा ये प्रोवाइड कर रहा है रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, जबकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है ये वाला कॉम्पोनेंट, ठीक है, एम जी साइन थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू वर्क विथ टॉर्क अबाउट द सपोर्ट सिंस द रेडियल फोर्स गिव जीरो टॉर्क। ओके, देखो आप इसमें टॉर्क की बात करूँगा, अगर मैं टॉर्क अबाउट द सपोर्ट, सबसे पहले जो रेडियल कॉम्पोनेंट है फोर्स का, ठीक है, यह रेडियल फोर्स है, वो कितना टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, जीरो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, जो रेडियल फोर्स है ये रहा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, और इस पॉइंट से वो जो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, लाइन ऑफ क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन और पिवट पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन फोर्स इधर है, पिवट पॉइंट इधर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जीरो है। ठीक है, तो ये वाला जो रेडियल फोर्स है ये कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा अबाउट दिस सपोर्ट। ओके, लेकिन जो ये वाला कॉम्पोनेंट है, टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट है या टेंजेंशियल फोर्स है, ओके, ये करेगा, देखो ये फोर्स इधर है और इसके पिवट पॉइंट से, ठीक है, सपोर्ट पॉइंट है जो फिक्स पॉइंट है, इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, एल है, कैपिटल एल।
सो यहाँ पर टॉर्क अप्लाई होगा, तो जो टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेडियल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क को आप कैलकुलेट करेंगे अगर हम, सो टॉर्क दिस इज टॉर्क परपेंडिकुलर डिस्टेंस टाइम्स फोर्स, ठीक है। सो फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एल, और एम जी साइन थीटा क्या है, दिस इज द फोर्स, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ओके, एम जी साइन थीटा। माइनस साइन क्यों है, देखो माइनस साइन बिकॉज ये रिस्टोरिंग टॉर्क है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिड्यूस कर रहा है, देखेंगे अभी कैसे। दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क दैट टेंड टू रिड्यूस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द नेगेटिव साइन, ठीक है। देखो ये रिस्टोरिंग टॉर्क क्या कर रहा है, इसको इस पोजिशन पर लेके आने की कोशिश कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजिशन पर लेके आने की कोशिश कर रहा है रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इसलिए माइनस साइन लगा है, ओके। नाउ इसके बाद बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशन रोटेशनल मोशन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। हम चैप्टर नंबर 7 में रोटेशनल मोशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू ये फॉर्मूला देख चुके हैं, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे हमने इसको इस तरह से भी देखा, इसका लीनियर मोशन एनालॉगस क्या है, एफ इजिकल टू एम ए, ठीक है, ये सेकेंड लॉ से आता है हमें पता है, ओके। रोटेशन मोशन में क्या हो जाता है, फोर्स टॉर्क हो जाता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द सपोर्ट एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ये दोनों ही टॉर्क की इक्वेशन है, ये टॉर्क की इक्वेशन ये रही और टॉर्क का फॉर्मूला ये भी रहा, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे दोनों इक्वेशन को, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई अल्फा आ जाएगा, आई अल्फा माइनस माइनस एम जी एल एम जी साइन थीटा एल, ठीक है, यहाँ से आ गई दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने पे, ओके। नाउ इसके बाद तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा आई को नीचे भेज देंगे तो एम जी अप एल अपॉन आई साइन थीटा, ओके। अब देखो यहाँ पर एम क्या है, एम इज़ अ कॉन्स्टेंट, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, ओके। लेंथ ऑफ द वायर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पेंडुलम इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, ओके। सो ये पूरा फैक्टर कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद, वी कैन सिंप्लीफाई इक्वेशन 14.25 इफ यू अज्यूम दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा इज स्मॉल, यू नो दैट साइन थीटा कैन बी एक्सप्रेस एज साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस ओमेगा, थीटा इज क्यूब अपॉन 3 क्यूब, 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू पावर 5/5 फैक्टोरियल, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेस अगर हम मान लें जो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, ठीक है, एंगुलर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, तो साइन थीटा को एक्सप्रेस क्या कर सकते हैं हम, साइन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, साइन थीटा का एक्सपेंशन थीटा माइनस ये, ओके, जिसमें थीटा रेडियंस में, ओके। अगर थीटा स्मॉल है तो हम क्या कर सकते हैं, जो हायर पावर है थीटा टू पावर 3 वो तो बहुत स्मॉल हो जाएगा, उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिस कैन बी नेगलेक्टेड, सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला फॉर्मूला, साइन थीटा की जगह हम थीटा पुट कर सकते हैं यहाँ पर, सो अल्फा आ जाएगा माइनस एम जी एल अपॉन आई थीटा, ओके। और मैंने आपको बताया था ये सारे फैक्टर कॉन्स्टेंट है, तो अल्फा क्या आ गया, माइनस के थीटा, ओके, ये आ गया माइनस के थीटा। सो यू कैन सी ये किसकी कंडीशन थी, अल्फा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ SHM, तो इससे प्रूफ हो गया कि जो सिंपल पेंडुलम है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज अ केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इन टेबल वी हैव लिस्टेड द एंगल थीटा इन डिग्रीज इज इट्स इक्विवेलेंट इन रेडियंस एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू पे अलग अलग साइन थीटा की वैल्यू निकाली है यहाँ पर, ठीक है। फ्रॉम दिस टेबल इट कैन बी सीन दैट थीटा इज लार्ज एट 20 डिग्री, साइन थीटा इज नियरली द सेम एज थीटा, ओके। डिग्रीज में थीटा है, ओके, इसको रेडियंस में कन्वर्ट किया 5 डिग्री को 0.087, इसको फिर साइन थीटा पर नोट किया इसका, तो इतना है। तो आप देख रहे हो जो थीटा की वैल्यू है रेडियंस में और साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सब में बराबर ही है, ठीक है। सो 20 डिग्रीज तक जो वैल्यू है ऑलमोस्ट 0.349, इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में और साइन थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। तो स्मॉल एंगल्स के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है, लार्जर एंगल के लिए साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू में फ़र्क आ जाएगा, ओके। नाउ
इक्वेशन 14.27 इज मैथमेटिकली आइडेंटिकल टू इक्वेशन 4.11 एक्सेप्ट दैट द वेरिएबल इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया ये हमने देखा था ना, ये यहाँ पर अल्फा, ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ओके, और ये वहाँ पर हमारा जो हमने पढ़ा था वहाँ पर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है, ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स की बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, वो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया और एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, नाउ हैंस वी हैव प्रूव्ड दैट फॉर स्मॉल थीटा मोशन ऑफ द बॉब इज सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, तो बॉब का मोशन सिंपल हार्मोनिक है। फ्रॉम इक्वेशन 14.27 एंड 14.11 ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ एम जी एल अपॉन आई। ठीक है, तो 14.11 क्या थी, ये थी ना जो ए था वो क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये था, और हमारी अभी की इक्वेशन क्या है, अगर आप देखोगे अभी की इक्वेशन, ठीक है, ये अभी की इक्वेशन, ओके, अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल अपॉन आई टाइम्स थीटा। ठीक है, तो कंपेयर करें, अगर अल्फा इसकी जगह मैं यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी लिख दूँ उसे, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओके, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, तो यानी कि यहाँ से क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर एम जी एल अपॉन आई के इक्वल आ गया। सो द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल पेंडुलम इज रूट एम जी एल अपॉन आई। ओके, नाउ एंड टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या जाएगा, टाइम पीरियड वी नो ना, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा वी नो, ओमेगा इज टू पाई एफ, ओके, एंड एफ इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, सो यहाँ से टाइम क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया 2π अपॉन ओमेगा। ओके, सो टी की ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2π यहाँ रह गया, टी इक्वल 2π और ओमेगा की वैल्यू हमने देखी थी अभी, तो यह आ जाएगा कितना, रूट ऑफ एम जी एल अपॉन आई। ठीक है, एम जी एल अपॉन आई था, तो यहाँ पर ओमेगा नीचे है तो यहाँ आ जाएगा, सो टाइम पीरियड आ गया 2π रूट आई अपॉन एम जी एल। ठीक है, नाउ सिंस द स्विंग ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज मासलेस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिंपली एम एल स्क्वायर। ठीक है, स्विंग तो मासलेस है, ठीक है, तो जो मास है सिर्फ बॉब में, ओके, और बॉब कितने डिस्टेंस पे, ठीक है, कितने रेडियस में ऐसे अलोंग सर्कल मूव कर रहा है, एल रेडियस में, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पेंडुलम विल बी एम एल स्क्वायर। इक्वेशन 14.28 डन गिव्स द वैल्यू ऑन फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब इसको आई की वैल्यू हम पुट कर देंगे एम एल स्क्वायर यहाँ पर, सो जब एम एल स्क्वायर यहाँ पुट किया तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा और एल स्क्वायर से एक एल कैंसिल, सो दिस विल बी टी इक्वल टू 2π रूट एल जी। ठीक है, तो टाइम पीरियड देखो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके, क्योंकि जी तो कॉन्स्टेंट है, ओके, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, ओके, जितनी मतलब जितनी बड़ी पेंडुलम, जितनी लंबी पेंडुलम होगी, जितना बड़ा लेंथ होगा पेंडुलम का, ओके, स्ट्रिंग का, उतना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा, उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी छोटा लेंथ उतना कम टाइम पीरियड, और उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट करेगी, ऑसिलेट करेगी छोटी लेंथ की पेंडुलम।